फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे सीरम के बारे में, तो आपको ये भी बताए थे कि हम आपको नेचुरल तरीके से सीरम बनाने के लिए आपको बताएंगे। तो यही आज हम लेकर के आए हैं कि कैसे सीरम बनाया जाता है, वो भी फेस सीरम आज हम आपको बना करके दिखाएंगे और अपने फेस पर लगा करके भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, बिना देर के आइए बताते हैं कैसे ये सीरम आपको बनाना है। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए, मेरे वीडियो को आप पहले देख सकें। तो आइए आप बताते हैं कैसे ये सीरम आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें एक बॉल चाहिए, चम्मच चाहिए। हम एलोवेरा यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल एलोवेरा जेल है, आप देख सकती हैं पतंजलि का है। इस एलोवेरा जेल से आपको होगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारा चीज़ रहता है, पिंपल से, रिकल से, बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग है, बहुत सारा चीज़ आपको आपके फेस पे ये काम करेगा। तो इसे हम 4 दिन के लिए बना रहे हैं, तो हम इसे एक चम्मच लेंगे इसको। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए एक बॉल चाहिए, बॉल और एक चम्मच चाहिए। हम ले रहे हैं एलोवेरा, पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रहे हैं, आप देख सकती हैं इसमें बहुत सारा चीज़ आपको होगा, इसमें बहुत सारे चीज़ लिखे हुए रहते हैं, पिंपल्स, रिकल्स, मॉइस्चराइजिंग एवं त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य आपको फेस पे मिलेगा। तो इसे यूज करने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच। हम इसे 4 दिन के लिए बना रहे हैं, आप चाहे तो आप इसे रोज बना करके यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बना करके स्टोर करेंगे। ये है पतंजलि का केसर चंदन एलोवेरा जेल है, इसका भी वही परिणाम आपको मिलेगा, इससे भी वही चीज होता है जो उसमें लिखा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, हम दोनों यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो दोनों में से कोई एक ही यूज कीजिए, हम इसे भी एक चम्मच लेंगे। हम बादाम तेल यूज कर रहे हैं, आप देख सकती हैं, इससे आपको फेस को मॉइस्चराइजिंग करेगा ही, साथ ही आपके फेस पे जो दाग धब्बे की मुहां से जो भी होंगे वो आपको कम करेगा। अगर आपका फेस ऑयली है तो आप कम ही लें, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसे, हम इसे 3 से 4 बूंद ले रहे हैं। ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन भी वही काम करता है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ सब रहता है। तो फ्रेंड्स, इसे अगर आपका फेस सच बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे 1 बूंद लें, हम इसे 1 ही बूंद यूज करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब ऑयली होता है। विटामिन ई कैप्सूल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं ये विटामिन ई कैप्सूल हम पूरा लेंगे, एक आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। विटामिन ई कैप्सूल में आपको एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, आपको कील मुहासे का जो भी रहता है फेस पे दाग धब्बे वो सब आपको खत्म हो जाएंगे, साथ ही आपके फेस पे रिकल से वो सब खत्म हो जाएंगे। एक ऑयल पूरा ले लिए हैं इसका, अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं इसका एकदम कलर चेंज हो रहा है, देखिए ये बन के बिल्कुल दम स्मूदी की तरह एकदम तैयार हो गया है हमारा सीरम, आप देख सकते हैं। इसे हम अपने हाथों पर आपको पहले लगा करके दिखाते हैं, फेस पे भी लगा के दिखाएंगे, देख सकते हैं मेरे हाथ को, ये इस हाथ को, दोनों को कितना फर्क, एक में नहीं लगाए हैं एक में लगाए हुए हैं, कितना फर्क मेरे हाथों पे है अभी आप देख सकती हैं। फ्रेंड्स, इसे हम अपने फेस पे भी आपको अप्लाई करके अभी हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इसे अब हम अपने फेस पे लगा करके आपको दिखाएंगे कितना अच्छा ग्लो मेरे फेस पे आता है। इसे लगाने के लिए पहले फेस पे इस तरह से, फ्रेंड्स हम अपना फेस को साफ कर लिए हैं, अगर आपका फेस पे कुछ लगा रहे तो पहले प्लीज़ गुलाब जल लेकर के कॉटन से आप फेस साफ कर लें। हम अपना फेस साफ कर लिए हैं, अब इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, हम अपने फेस पे लगा चुके हैं सीरम, आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है। अगर यही सीरम को आप रेगुलर रात में यूज करते हैं तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा, मतलब ग्लोइंग आपका फेस पे आएगा, ग्लो होगा, और साथ ही आपके फेस पे जो मतलब किसी का फेस सांवला होता है या फिर फेस पे कुछ ऐसा दाग धब्बे रहते हैं वो सब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, आप फेस पे निखार जरूर आएगा आपके फेस पे। फ्रेंड्स, इस सीरम को बनाने के लिए इतना ही, ये सब जो चीज़ यूज किए हैं, तो अगर आपका फेस ऑयली है तो प्लीज़ आप विटामिन ए कैप्सूल जो ले रही हैं उसे आप बिल्कुल आधा कर दें, क्योंकि ऑयली है आपका फेस, पहले से ही ऑयली है और
विटामिन ई कैप्सूल डालिएगा तो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसमें हम डाले हैं ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन अगर आपका फेस ऑयली है तो आप एक ही बूंद लें, अगर आपका फेस ड्राई है तो आप 3 से 4 बूंद आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बादाम तेल यूज किए हम इसमें, आप इसे चाहें तो नहीं भी ले सकती हैं, अगर है तो ले सकती हैं। अगर आपका फेस ऑयली है तो ना भी ले सकती हैं, अगर आपका फेस ड्राई है तो आप इसे 3 से 4 बूंद बिल्कुल ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसे रात में यूज करने से आपको बहुत ही अच्छा परिणाम इसका मिलेगा, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा 100% आपको मिलेगा। फ्रेंड्स ये नेचुरल है, बिल्कुल ही नेचुरल है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ से आपको साइड इफ़ेक्ट, अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है तो पहले आप अपने हाथ पे से चेक कर लें लगा करके, या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकती हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो आप इसे बिल्कुल नहीं अपने फेस पे पूरे लगा सकती हैं। अगर आप पहले लगा लेती हैं आपके फेस पे दाने दाग धब्बे आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद ही बोलिएगा कि ये नहीं, ये मेरे फेस पे सूट नहीं करता, तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, मेरा वीडियो आप लोग का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए, मेरे वीडियो को पहले देख सकें। थैंक यू।